Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gaur Premanande. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschacha Desatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam namaskrityam naram chaiva narottamam daivim sarasatim vyasam tato jayamudhirayat nasta praeshu vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading Srimad Bhagavatam. This is Canto 4, Chapter 29. Entitled Talks Between Narad and King Prachinibari. Text number 51. सबसे अनुरोध है कि कृपया यहाँ पर किसी भी प्रकार का शोर न मचाएं. सभी भक्तों से अनुरोध है प्लीज एक दूसरे से बातें न करें और कृपया अपने सबके मोबाइल्स बंद करें या वाइब्रेटर मोड पर रखें. Kindly keep your mobiles on silent mode or vibrator mode. Please do not talk with each other and disturb the class. Hare Krishna. Savai priyatamaschatma yato na bayam anvapi iti veda savai vidvan yo vidvan sa gurur hari savai priyatamaschatma yato na bayam anvapi iti veda savai vidvan yo vidvan sa gurur hari savai priyatamaschatma yato na bayam anvapi
इति वेदा सवाइ विद्वान यो विद्वान स गुरुर हरि सवाई प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वपि इति वेद सवै विद्वान् यो विद्वान् स गुरुर्हरिः मैथिजीस शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगद्गुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की सहा वह वै निश्चय ही प्रियतमः अत्यंत प्रिय च भी आत्मा परमात्मा यतः जिससे ना कभी नहीं भयम डर अणु सूक्ष्म अपि भी इति इस प्रकार वेद जो जानता है सह वह वै निश्चय ही विद्वान शिक्षित यह जो विद्वान शिक्षित सह वह गुरु हो गुरु हरि ही भगवान से अभिन्न कृपया अनुवाद मेरी बात दोहराएं जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार से रंच मात्र भी नहीं डरता इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम आत्मा हैं और सबके मित्र हैं जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु
हो सकता है जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। तात्पर्य कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः। हर शास्त्र में गुरु को परमेश्वर का प्रतिनिधि कहा गया है। गुरु को भगवान से अभिन्न समझा जाता है क्योंकि वह भगवान का परम विश्वास पात्र दास होता है। किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य। तात्पर्य यह कि परमात्मा तथा आत्मा एक दूसरे को परम प्रिय हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है किंतु जब वह आगे बढ़ जाता है तो वह परमात्मा को भी प्यार करने लगता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की पूजा करने की संस्तुति नहीं करता। वह जानता है कि काम तथा भौतिक सुख से प्रभावित होकर देवताओं की पूजा करने की अपेक्षा भगवान की पूजा करना सरल है। अतः भक्त सदैव भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न रहता है। ऐसा व्यक्ति वास्तविक गुरु है। पद्म पुराण में कहा गया है षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर् न स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरुः। भले ही ब्राह्मण शास्त्रों में निपुण हो और ब्राह्मण के षट कर्मों को जानता हो किंतु वह तब तक गुरु नहीं हो सकता जब तक भगवान का भक्त न हो। किंतु यदि कोई चांडाल के परिवार में उत्पन्न होकर भगवान का शुद्ध भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। निष्कर्ष यह निकला कि जब तक कोई भगवान का शुद्ध भक्त नहीं होता वह गुरु नहीं बन सकता। जो भक्ति के उपर्युक्त विवरण के अनुसार गुरु होता है उसको यह समझना चाहिए कि वह साक्षात भगवान के रूप में उपस्थित है। यहाँ पर प्रयुक्त शब्दों अथवा गुरुर हरि ही के अनुसार प्रामाणिक गुरु से परामर्श करने का अर्थ है साक्षात भगवान से परामर्श करना। अतः मनुष्य को ऐसे प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। जीवन की सफलता का अर्थ है ऐसा गुरु बनाना जो कृष्ण को एकमात्र परम प्रिय व्यक्ति मानता है। मनुष्य को भगवान के ऐसे विश्वस्त भक्त की पूजा करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय। नमः ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकधामायं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयथापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सक्रजातं सहागनारग्नतन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखानितंश्च। हे कृष्ण कर्णसिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्ते ते। तप्त काञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषाभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकौपातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पवानेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीहद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। सो इन दिस चैप्टर वी आर हियरिंग कन्वर्सेशन बिटवीन नारद मुनि द ग्रेट स्पिरिचुअल मास्टर एंड अ किंग नेम किंग प्रचिनी बारी।
तो इस अध्याय में हम इस वार्तालाप के बारे में सुनते हैं जो कि नारद मुनि जो कि एक महान आध्यात्मिक गुरु हैं और महाराज प्राचीन भविष्यत के बीच में हुआ था. Now, Narada Muni had took compassion on this king because this king was performing many karmakandi, fruitive activities by way of, he wanted to enjoy the results. He was thinking, this will bring me happiness. तो नारद मुनि उनके ऊपर अनुकंपा दिखा रहे थे क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रकार के कर्मकांडी यज्ञों के द्वारा अपने सकाम इच्छाओं की पूर्ति करना चाहा. And the particular type of karmakandi activities he was doing was killing animals, sacrificing animals. और ये विशेष कर्मकांडी कार्य ये था उनके द्वारा जो किया जा रहा था वो कि बलि चढ़ाते थे यज्ञ में अलग अलग पशुओं को. And the king was so foolish that he was actually becoming very proud of himself that he had performed so many sacrifices and killed so many animals. और असली में वो राजा इतने मूर्ख थे कि वो स्वयं इतने गर्वी बन गए थे कि मैंने इतने सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया और उसमें इतने पशु मारे गए. So Narada Muni is a very wonderful personality. Wherever he goes, he's preaching the message of God consciousness. तो नारद मुनि बहुत ही एक अद्भुत व्यक्तित्व के हैं कि जहाँ भी वे जाते हैं भगवत चेतना के बारे में प्रचार करते हैं. And he uses many different techniques in his preaching strategies. और अपने ये जो प्रचार की युक्ति है उनमें अलग अलग प्रकार के तकनीकों का वो प्रयोग करते हैं. If you go through this section of Srimad Bhagavatam, the fourth canto, there are several chapters describing Narada Muni's preaching to the king. तो इस अगर इस विभाग में अगर चौथे स्कंद के अगर हम उसमें से गुजरे तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग भागों में नारद मुनि महाराज प्राचीन भविष्यत को प्रचार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से. He did not immediately condemn the king for his activities of killing the animals. तो इन पशुओं के बलि चढ़ाने के इस कार्य को तुरंत उन्होंने निंदा नहीं करी राजा के द्वारा जो किया जा रहा था. But he explained to him, he described an analogous situation. And he described about the activities of a king named King Puranjan. उन्होंने एक रूपक का प्रयोग करते हुए पुरंजन नामक राजा के कार्यकलापों के बारे में वर्णन किया. Puranjan means one who enjoys in the body. पुरंजन अर्थात जो शरीर के अंदर भोगता है. So Narada Muni was describing about the life of Puranjan and how ultimately he got so many troubles and so much difficulty. तो यहाँ पर नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं कि पुरंजन की कथा किस प्रकार है और अंत तो गता उसको कितने कठिनाइयों और कष्टों का सामना करना पड़ा. And after the king Prachini Barishat, after hearing all this, then he began to understand that actually he was Puranjan and Narada Muni was describing to him what was going to be the result of his future. तो ये पूरा सुनने के बाद महाराज प्राचीन परिषद को समझ में आया कि असली में वे उन्हीं के बारे में सूचना दे रहे थे कि आप ही पुरंजन हो और आपके जीवन के अंत में आपको इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और इन घटनाओं से गुजरना पड़ेगा जो कि सामना करना पड़ा पुरंजन को भी. The killing animals simply in the name of sacrifice is going to bring him very serious consequences. These animals in their next life will come to kill the king. यज्ञों के अनुष्ठान के बीच में इन पशुओं की बलि चढ़ाने से उनको इतना कठिन परिणाम का सामना करना पड़ेगा कि जीवन के अंत में यही पशु उनको आकर आक्रमण करेंगे. It's a law of material nature that if you bring pain and suffering to one living entity, that pain and suffering will come back to you. ये बहुत एक प्रकृति का नियम है कि आप दूसरे जीवों को अगर पीड़ा और किसी भी प्रकार की कठिनाई देते हैं तो वही आपको भी देंगे. So even though the king was thinking he was performing a sacrifice, in performing sacrifices, it's not a very easy thing, and there are often mistakes made, and the mantras are not chanted correctly. तो वो कर रहे थे, इस पे बहुत ज्यादा गर्व था उन्हें कि वो अलग अलग प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे थे, लेकिन इन यज्ञों के अनुष्ठान में बहुत सारी समस्याएं होती है क्योंकि मंत्रों के उच्चारण में त्रुटियां हो सकती है और अन्य अनुष्ठान में भी त्रुटियां हो सकती हैं. And when the yagna is not correct, then you don't get any real, you don't get any material benefit, but rather you get reactions which will bring you pain and suffering.
और अगर यज्ञों के अंत में इस प्रकार की कोई समस्या है तो ना सिर्फ आपको किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा अभी तो आपको इससे प्रतिक्रियाएं मिलेंगी जो कि बहुत ही नकारात्मक हैं और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. So Narada Muni described to the king how he should actually take up the process of bhakti yoga. तो बताया नारद मुनि ने यहाँ पर प्राचीन परिषद को किस प्रकार से भक्ति योग की विधि को अपनाना चाहिए. And by bhakti yoga he will learn how to please the supreme personality of Godhead who sits in the hearts of all living entities. और भक्ति योग से वो परम पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे जो कि प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान हैं. As mentioned in this verse, first of all, Narada Muni says that by doing devotional service, one does not have any fear of material existence. यहाँ पर श्लोक में बताया गया है कि भक्ति योग के अनुष्ठान से नारद मुनि बता रहे हैं कि भौतिक अस्तित्व से कोई डर नहीं बचता, डर नहीं रहता. In the material world, people are all fearful. We are engaged in four activities: eating, sleeping, mating, and fearing. भौतिक जगत में सभी जीव भयभीत होते हैं, विशेष करके चार कार्यकलापों में लिप्त हैं, आहार, निद्रा, मैथुन और भय. We live in fear because we know the nature of the material world, that we live in a temporary body and one day we're going to die and we're going to also have to suffer old age and disease. तो हम भयभीत इसलिए होते हैं कि हम जानते हैं कि हम भौतिक जगत में रहते हैं, ये शरीर नश्वर है और कभी हमें इस शरीर में बुढ़ापे का और रोग का सामना करना पड़ेगा और एक दिन मृत्यु का भी सामना करना पड़ेगा. But for one who is engaged in devotional service, then he is no longer attached or he is no longer identifying with the material body. लेकिन जो भक्ति के पथ में है वो आसक्त नहीं है क्योंकि वो भौतिक शरीर से आसक्त नहीं है. So although the old age and disease and death are also there for a devotee is not disturbed by these things. बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु यद्यपि भक्ति के भक्त के ऊपर भी लागू हैं, फिर भी भक्त इनके वजह से विचलित नहीं हैं. Srila Prabhupada gives us the example that just like a cat will carry a rat in its mouth and the rat is very fearful because he knows his death is imminent. तो यह श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक चूहा जो है बहुत ही डर जाता है जब बिल्ली के मुंह में वो फंस जाता है क्योंकि उसको पता है कि अभी उसकी मृत्यु आने वाली है. In the same way, the cat also carries a kitten in its mouth, but the kitten doesn't have any fear being in the jaws of its mother. इसी प्रकार बिल्ली अपने बिलौटे को भी रखती है अपने मुंह में लेकिन उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं रहता. In the same way, one who is practicing bhakti yoga, his position is like the kitten in the jaws of the cat. He knows he's under the care and the shelter of the personality of Godhead. इसी प्रकार जो भक्ति योग का अनुष्ठान कर रहा है उसको मालूम है ठीक उसी प्रकार बिलौटा जो बिल्ली के मुंह में है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संरक्षण में है. But for the materialist who has just spent his life engaging in acts of sense gratification, then he's like the rat in the jaws of the cat. He does not know what will be his situation and he knows he has to suffer a terrible fate. लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ठीक उसी प्रकार है जैसे कि वो चूहा है जो कि बिल्ली के मुंह में फंसा है क्योंकि उसको पता है कि उसकी मृत्यु अभी आने वाली है और हर परिस्थिति में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा आगे. So everyone is encouraged to learn to be educated in the science of bhakti yoga. तो भक्ति योग के विज्ञान में प्रशिक्षित होने के लिए सबको प्रोत्साहन दिया जाता है. As mentioned in this verse, that actual education is to understand that the soul within the body. तो यहाँ पर जिस श्लोक में जैसे बताया गया है कि असली विद्या वो है जो कि शरीर के अंदर विराजमान आत्मा के बारे में जान लें. In the Bhagavad Gita, Lord Krishna describes how it's actually quite rare that people are interested in any kinds of self-realization. तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं किस प्रकार किसी भी प्रकार के आत्म साक्षात्कार से संबंधित कार्यकलाप में लोगों को रुचि नहीं है. As Krishna says in Bhagavad Gita, manushya nam sahasreshu kaschid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kaschid mam veti tatvataha.
Out of thousands among men, hardly one is endeavoring for perfection. And of those who have achieved perfection, hardly one knows me in truth. और यहाँ पे जैसे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं वो व्यक्ति कितने विरल हैं जो आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हजारों लोग हैं उनमें से कुछ लोग ही हैं जो कि आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करते हैं, और उन सिद्धि पथ पे अग्रसर व्यक्तियों में कुछ ही व्यक्ति हैं जो कि कृष्ण को तत्व से जानता है. So Maharaj Prinibarishad, he wanted to enjoy life. He wants to be happy, just like everyone does. We all want to be happy, but we have to know, we have to learn how to find real happiness. तो प्राचीन परिषद यहाँ सुखी रहना चाहते हैं, ठीक हमारी तरह, हम सब की तरह, जो कि हम सुखी रहना चाहते हैं. लेकिन अगर सुख भोगना है तो हमें मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार हम असली में सुखी रह सकते हैं. Srila Prabhupada writes in the purport, everyone loves himself. We're very, you know, naturally we love ourselves. But he said, when one becomes more advanced, then he loves the Supreme Soul also. Srila Prabhupada Tatpar mein batate hain ki pratyek vyakti apne aap se pyar karta hai. Is swabhav ke har koi apne se pyar karta hai. Kintu jab vah aage badh jata hai, to vah Paramatma ko bhi pyar karne lagta hai. So naturally we have some affection for our own self. We're, you know, we take pleasure in our own self, thinking I'm a good person, I do very nicely, I'm doing well, I'm taking care of my family, I'm a nice person, nothing wrong with me. तो स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं परिवार का ध्यान रख रहा हूँ, परिवार को संभाल रहा हूँ, मैं अपने बारे में सब कुछ अच्छा ही सोचता है हर व्यक्ति कि मैं ठीक हूँ, मेरे साथ सब कुछ ठीक चल रहा है. But we have to understand our education is not complete until we understand the personality of Godhead. लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि शिक्षा तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझते नहीं हैं. And the Lord exists in different features. He exists as the all-pervading impersonal Brahman, as the localized Paramatma, and as the Supreme Personality of Godhead, Swayam Bhagavan. और भगवान अलग-अलग विभागों में उपस्थित हैं, जो कि सर्वव्यापी निराकार ब्रह्म के रूप में, स्थानीय परमात्मा के रूप में, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं के रूप में, जो कि स्वयं भगवान हैं. If we're simply thinking the goal of life is to make the body happy, then we have not understood anything really about life. तो अगर हमने ये सोच लिया है कि जीवन का लक्ष्य सिर्फ इतना है कि शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और आनंद देना, तो हमने जीवन के उद्देश्य को जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है. We try to find happiness by doing so many sinful activities which just bring us more suffering and keep us in the bondage of material life. हम इतने सारे पाप कर्म करते हैं जो कि हमें और पीड़ाएं देते हैं और अंततोगतः इसी भौतिक जगत में हमें रख देते हैं. But when we become a little awakened to understand our spiritual identity, the first stage is to understand that there's a soul within the body and I am separate from this body. I am the soul, eternal soul, living in this body. लेकिन जब हम थोड़ा जागृत हो जाते हैं तब हम समझ जाते हैं कि आत्मा और शरीर अलग है, ये शरीर भिन्न है और मैं आत्मा हूँ जो कि शरीर में निवास करता हूँ, और ये दोनों अलग तत्व हैं. That is the first step in self-realization. आत्म साक्षात्कार का ये प्रथम पड़ाव है. But there's more. You have to keep going. We have to understand there's other stages of realization. लेकिन इससे भी अधिक हमें आगे बढ़ना चाहिए और इससे भी ऊपर कई सारे स्तर हैं आत्म साक्षात्कार के, इसे हमें मालूम करना चाहिए. We learn that there's not just simply one soul in the body, but there are two souls. One is the overseer and the permitter, and the other is the individual self. और हम ये सीखते हैं कि न सिर्फ एक आत्मा है, अभी तो दो आत्मा है, एक जो है निरीक्षक है और उपदृष्टा है और अनुमंता है, और दूसरा जो है सामान्य जीव है. So that the overseer permitter we describe as Paramatma or the super soul, which is situated in the hearts of all living entities. और ये निरीक्षक और उपदृष्टा जो है उनको परमात्मा के नाम से हम जानते हैं, जो कि प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है. And that super soul, Paramatma, is the expansion
of the Supreme Lord who resides in his own abode in the spiritual sky. अपने आध्यात्मिक व्योम में विराजमान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एक विस्तार है ये जो परमात्मा. If we want to understand this science of self-realization, it requires some education. इस आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसके लिए हमें किसी कुछ शिक्षा की आवश्यकता है. To get education, you need a teacher. You don't just study the books on your own. You need to have a teacher to guide you. शिक्षा प्राप्त करने के लिए सिर्फ पुस्तकों की आवश्यकता नहीं है, इससे ऊपर एक ऐसा प्रशिक्षक की आवश्यकता है, अध्यापक की आवश्यकता है जो कि हमें मार्गदर्शन देंगे. Just like when you have a problem with your car, we are seeing so many cars on the road here in Delhi today. So many cars. And when your car has a problem, often, you know, you don't know how to fix it. You get the mechanic to come and fix it. तो अगर कभी हम दिल्ली में देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी में कुछ समस्या है, अगर वो खराब है, तो आप किसी बाहर से मैकेनिक को बुलाएंगे जिससे कि वो ठीक हो जाए. The mechanic comes and he just listens. He says, turn on the ignition, let me hear. And he will hear the engine and say, oh yeah, I know what it is. In a few minutes, he will fix the car, we hope. तो मैकेनिक आएगा, वो बताएगा कि इग्निशन चालू करिए, इंजन चलाइए, ये सब बोलेगा करके उसको तुरंत पता चल जाता है कि इसके क्या, इसके साथ क्या समस्या है, और फिर उस गाड़ी को ठीक कर देता, ऐसी आशा है. In a similar way, when we have problems with the material life, we need to understand, we need to have a teacher, we need to have a guide. That is called the guru, the spiritual teacher. इसी प्रकार जब हमें भौतिक जगत में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, हमें हमारे लिए आवश्यक है कि एक मार्गदर्शक हो, एक उपदेशक हो, और वो मार्गदर्शक है हमारे आध्यात्मिक गुरु. In Bhagavad Gita, Lord Krishna describes the process to get transcendental knowledge. दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की विधि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में वर्णन करते हैं. तद्विधि प्रणिपतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शनं. Just try to learn the truth by approaching a spiritual teacher. Inquire from him submissively and render service unto him. The self-realized soul has seen the truth and can impart knowledge unto us. सिर्फ एक आत्म साक्षात्कृत व्यक्ति का सामीप्य करिए, उनका विनम्रता से सेवा करिए और उनसे जिज्ञासा करिए, और ये आत्म साक्षात्कार से पूर्ण व्यक्ति आपको भगवत तत्व का उपदेश करेंगे. If we try to solve the problems on our own, you may be successful, you may not. There's no guarantee. But if you approach the spiritual teacher, then he can properly guide us to solve the real problem of life. अपनी समस्याओं का हल अगर हम खुद ढूंढना चाहें तो हो सकता हम उसको सुलझा ना पाए या सुलझा पाए, लेकिन अगर हम गुरु का शरण लेंगे, उनका मार्गदर्शन लेंगे, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन समस्याओं का हल हम ढूंढ पाएंगे. And the qualification of the spiritual teacher is that he was trained and educated by another spiritual teacher. और आध्यात्मिक गुरु के लिए सबसे बड़ी योग्यता यह है कि उनको भी प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है उनके आध्यात्मिक गुरु से. If we ask the teacher, oh teacher, your knowledge is very great, and he says, yes, I've learned it all myself, I've understood everything by my own, then this is not correct, there's something wrong. तो अगर कोई अध्यापक या प्रशिक्षक या गुरु है जिनसे आप ये प्रश्न करते हैं कि आपने, आपके पास ये सब कुछ ज्ञान है, और वो आपको बताते हैं कि मैंने अपने आप ये सीख लिया और किसी का मैंने मार्गदर्शन नहीं लिया, तो ये गलत है. Proper knowledge comes through the line of disciplic succession. We have to hear through the authorized channel. सटीक ज्ञान जो है गुरु परंपरा के माध्यम से प्राप्त होती है. हमें इस परंपरा के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा से, हमें प्रामाणिक गुरु से इसका श्रवण करना चाहिए. Srila Prabhupada quotes a verse here in the purport which describes that you may be a brahmana, but if you have no devotion for the Lord, then you are not qualified to be a teacher. तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक श्लोक का वर्णन करते हैं कि हो सकता है आप ब्राह्मण हैं, लेकिन आपको अगर भक्ति नहीं है तो आप गुरु नहीं बन सकते. On the other hand, someone may be born in a very low class family, it may be the family of dog eaters, but
If they have become a pure devotee, then they can also become a spiritual teacher. लेकिन हो सकता कोई निम्न परिवार में जन्मा हो, कोई हो सकता चंडाल परिवार से हो, जो कुकुर खाने वाले परिवार में से हो, लेकिन वो अगर भगवत भक्ति से पूर्ण है तो वो गुरु बन सकते हैं. Srila Prabhupada taught us one Bengali saying. It goes, Janame janabi sabi pita matapai, Krishna guru nahi mili bhaja hariyai. That everyone has got a mother and a father, but only the fortunate person has got the spiritual teacher. And by the grace of the spiritual teacher, you get Krishna. श्रीला प्रभुपाद ने एक बंगाली मुहावरा सिखाया था हमें, वो है कि जन्म जन्मों से हमें माता पिता तो प्राप्त हैं, और ऐसा कोई नहीं है जिसके पास नहीं है माता पिता, लेकिन वही सौभाग्यशाली व्यक्ति है जिसके पास एक प्रामाणिक गुरु का सानिध्य है और उनके माध्यम से वो परम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकता है. सो द प्रॉपर स्पिरिचुअल टीचर, द जेन्युइन स्पिरिचुअल टीचर इज वन हु इज the representative of Krishna. He's not God, but he's the representative of Krishna. तो असली आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के प्रतिनिधि हैं. वो भगवान नहीं हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के प्रतिनिधि हैं. And he's been trained by his spiritual teacher, and he's passing on that same knowledge. और वो अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा प्रशिक्षित हो रहे हैं, और ये इसी ज्ञान को वो आगे बढ़ा रहे हैं. He considers himself to be the humble servant of the Lord. भगवान के विनम्र सेवक मानते हैं वो स्वयं को. He considers his duty is to pass on this knowledge which he has received. वो उनका दायित्व मानते हैं कि उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो आगे अन्य लोगों को भी वितरित करें. Just like Srila Prabhupada went to America to distribute this knowledge to the Western world. Although he was 70 years of age and had no money. जैसे कि श्रीला प्रभुपाद 70 साल की उम्र में बिना किसी धन के अमेरिका गए थे इस दिव्य ज्ञान के वितरण करने के लिए. And he simply went, when he went, he simply took some of his books. He took the first canto of the Srimad Bhagavatam with him. तो वो जब गए थे सिर्फ उनके पास कुछ पुस्तक थे, प्रथम स्कंद के कुछ प्रतियां लेके गए थे वो श्रीमद् भागवतम के. And of course he brought also the holy name with him. और वो अपने साथ दिव्य नाम को भी लेके आए थे. And he brought also his education, because he was born in a devotee family, so his whole life had been devoted to Krishna, so he had very good education. उनके पास बहुत ही शिक्षा उपलब्ध थी, बहुत अच्छी शिक्षा उपलब्ध थी. वो शिक्षा भी लेके आए थे क्योंकि वो आध्यात्मिक परिवार में जन्मे थे और वहां पे उन्हें पूरा प्रशिक्षण प्राप्त हुआ था भक्ति की विधि का. Just like at school, the good students would go on to become the teacher. So in the same way, Srila Prabhupada was a good student of his teacher, and he became also teacher. जैसे स्कूल में देखा जाता है कि अच्छे विद्यार्थी जो हैं आगे जाकर अध्यापक बनते हैं, और उसी प्रकार श्रीला प्रभुपाद जो कि अपने गुरुदेव श्रील भक्तिदान महाराज के अच्छे शिष्य थे, इसलिए वो भी आगे जाकर गुरु बने. People in general need to get this education. सामान्य जन को ये विद्या प्राप्त होनी चाहिए. When Prabhupada began the movement in the Western world, the devotees were all young people. प्रभुपाद ने जब पाश्चात्य देशों में जब आंदोलन प्रारंभ किया था तो उसमें जितने भी लोग जुड़े थे वो सारे नवयुवक थे. I joined the Krishna consciousness movement in London when I was 21 and I was one of the older devotees. मैं लंदन में 21 साल की उम्र में इस हरे कृष्ण आंदोलन से जुड़ा था, और उस समय मैं इस आंदोलन के कुछ बुजुर्ग भक्तों में से एक था. So when Srila Prabhupada was asked, why are you attracting so many young people? He told them, because when you're young, that is the age of education. तो लो श्रीला प्रभुपाद से प्रश्न किया गया कि आप किस प्रकार आकर्षित कर पा रहे हैं इतने नवयुवकों को, तो श्रीला प्रभुपाद ने बताया कि जब आप युवक हैं तब वो है उम्र आपकी विद्या प्राप्त करने की. Generally our colleges, universities are meant for the young people. Some old people may go, but not very common. सामान्यतः जो कॉलेज हैं, जो विश्वविद्यालय, ये सब नवयुवकों के लिए
है, कुछ लोग हो सकता है बुजुर्ग लोग उसमें जाए, लेकिन सामान्यता देखा जाता है कि नवयुवकों के लिए है वो. So it's very important for the youth of India to also get this education. बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत के नवयुवकों को भी ये विद्या प्राप्त हो. Prahlad Maharaj said, "Komar acharet pragno dharmam bhagavatam iha." That from the beginning of life, Komar means young child, 5 years old. That's the best time to begin this spiritual education. Srila Prahlad Maharaj ne bataya ki 5 saal ki umar se hi adhyatmik shiksha prarambh ki jani chahiye ki jab bachcha chote umar ka hai. When we get that kind of start to life, then it has a very good. It is very helpful for our future development. जब प्रारंभिक अवस्था में ही जब इस प्रकार की शुरुआत हमारी हो जाती है आध्यात्मिक जीवन में, तो आगे हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी हो जाता है. Nowadays, all the emphasis is on how to get a good economic life. That we should earn a lot of money. तो आजकल जोर ज्यादा दिया जाता है इस बात पे कि किस प्रकार अपने आर्थिक व्यवस्था को सुधारें और एक अच्छी नौकरी प्राप्त करें. And people generally they don't care about the character and qualities so long as you're earning big money. सामान्य जन जो है अब चरित्र और स्वभाव के बारे में उतना महत्व नहीं देते जितना पैसा कमाने में. If you're a good liar and cheater, then people will say, "Oh, he's very successful." आप बहुत झूठे हो, बहुत अच्छे झूठे व्यक्ति हो, धोखेबाज हो, तो लोग आपको बताएंगे आप बहुत ही सफल व्यक्ति हो. But if you have good character and qualities, then that is more important. लेकिन अगर आपके पास अच्छे चरित्र और अच्छे गुण वैशिष्ट्य हैं, तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं. So the Krishna consciousness movement is meant for training people in this aspect, cultivating the qualities of a devotee. भक्त के गुणों का अनुशीलन करना ही कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि लोगों का चरित्र को सुधारे और उनको चरित्र को ठीक से उनका चरित्र अच्छी तरह सिखाएं. We are here in this material world and we've been taking birth and dying repeatedly. The purpose of the goal of life is achieved when we can get free from birth and death. हम इस भौतिक जगत में बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हैं और जीवन का उद्देश्य है कि इस संसार से हम मुक्ति पाए, मोक्ष पाए. We want to be sure next life we don't become a dog. ये पक्का करना है कि हम अगले जन्म में कुत्ता ना बने. So a little advancement on this path can save us from the danger of losing the valuable human life. अति मूल्यवान मनुष्य जीवन को गवाने वाले इस बहुत बड़े खतरे से थोड़ी सी सावधानी अगर हम भक्ति के मार्ग में अग्रसर हो जाएं, वो बचा सकती है. कृष्ण कॉन्शियसनेस इज अ वेरी ऑथराइज्ड प्रोसेस. इट कम्स थ्रू अ लॉन्ग एंड वेरी विद अ वेरी एंशिएंट हिस्ट्री. इट इज नथिंग मैन्युफैक्चर्ड. इट्स द ओल्डेस्ट प्रोसेस बट इज बीइंग पुट इनटू अ मॉडर्न फॉर्म. कृष्ण भावनामृत सबसे पुरातन विधि है, लेकिन एक आधुनिक तरीके में आधुनिक रूप में उसको प्रस्तुत किया जा रहा है. ये बिल्कुल ऐतिहासिक पुरातन विधि है. Srila Prabhupada went to the Western world and he found that people were also there to become devotees, to take up Krishna consciousness. Srila Prabhupada पाश्चात्य देशों में गए और उन्होंने देखा कि वहाँ भी भक्त वहाँ पे भी लोग तैयार हैं कि कृष्ण भावनामृत को अपनाएं, भक्ति के जीवन को अपनाएं. But he never forgot about India and he came back to India to establish also his mission here in India. लेकिन वो भारत को भी कभी भूले नहीं और वहां से वापस वो भारत आए और यहां भी कृष्ण भावनामृत की स्थापना करी. And now we are gradually seeing the fruit of Srila Prabhupada's preaching. अब हम श्रीला प्रभुपाद के प्रचार का फल अभी देख रहे हैं. But the real fruit is not just seen in big buildings, but it's seen in how many are pure devotees and how many are going to go back to Godhead. Iska asli parinam ye nahi ki kitne bade imarat ban rahe, kitne badi sankhya mein log ban rahe hain, lekin kitne acche bhakt ban rahe hain. The big buildings will certainly attract people. Bade imaratein jo hai avashya logon ko akarshit karengi. I had been here in Delhi in 1975 and we had a tiny house in Bengali market. 1975 mein main Delhi mein tha aur wahan par hamara ek chota sa makan tha Bengali market mein. And the same deity Radha Partha Sarathi was there. Aur yahi vigra Radha Partha Sarathi mahan the.
And today we have this wonderful temple, huge temple, and so many people. और आज ये अद्भुत मंदिर है, इतना बड़ा मंदिर है और इसमें इतने सारे भक्त हैं. So it's a big change. It's बहुत बड़ा परिवर्तन है. Big improvement. बहुत बड़ी तरक्की है ये. But the real improvement is when we all become pure devotees and we can go back to Godhead. लेकिन इसमें असली विकास ये है कि हम सब शुद्ध भक्त बने और हम भगवत धाम लौट चलें. And if we're serious to go back to Godhead, we have to cultivate the good qualities. अगर हम भगवत धाम जाने के लिए अगर गंभीर है तो हमें अच्छे गुण वैशिष्ट्यों का अनुशीलन करना चाहिए. As stated in Srimad Bhagavatam, Yashyasti Bhagavati Akinchana Sarvair Gunaistatra Samaste Suraha Harava Bhaktasya Kato Mahadgana Manoratena Sati Bhavato Bahi. The meaning is that for one who is a devotee of the Lord, he will have all the good qualities of the demigods. Srimad Bhagavatam mein varnan hai ki jo vyakti Bhagwan ka bhakt hai usme devi devtaon ke bhi sabhi gun vaishishta upasthit honge. When we worship the Supreme Lord, then all the devas bestow their blessings on the devotee. Jab param purushottam Bhagwan ki hum upasana karte hain to sabhi devi devta us bhakt ke upar aashirwad barsate hain. We know in India there are so many deva temples, there are so many different gods being worshipped. Hum dekhte hain ki Bharat mein bahut sare devi devtaon ke mandir hain, itne sare devi devtaon ki upasana hoti hai. And generally people are engaging in so many kinds of karmakandi rituals to get some material benefit. Ki samanyata dekha jata hai ki log kisi na kisi prakar ke karmakandi anushthanon ko apnate hain jisse ki kuch bhautik labh unhe mein prapt ho. In Bhagavad Gita Lord Krishna condemns this type of worship. He says it is foolish because the results are limited and temporary. Bhagwan Bhagavad Gita mein is प्रकार के उपासना का निंदा करते हैं क्योंकि ये नश्वर है और इसके लाभ जो प्राप्त होते हैं अधिक समय के लिए नहीं है. अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवति औपमेदशम. These people have small intelligence, aupa, very meager. They're not very bright. They're very foolish people because they're worshipping to get things which is limited and temporary. ये लोग जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं उन्हें जो फल प्राप्त होते हैं वो सीमित हैं और नश्वर हैं, इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वे अल्प बुद्धि वाले हैं, छोटी बुद्धि वाले हैं. So what should the intelligent people doing? You may be asking, what should an intelligent person do? तो हो सकता है आप ये प्रश्न पूछे कि बुद्धिमान व्यक्ति क्या करें, वो कौन सी उपासना करें. So Srimad Bhagavatam said, Yajnai Sankirtan Praye Yajanti Hi Sumedasaha. Those who have pure intelligence, sumedasaha, then they will engage in that sankirtan, Krishna sankirtan, the congregational chanting of the holy name. तो जो सुमेधसा है, जो अच्छे बुद्धि वाले हैं, वो कृष्ण संकीर्त में, भगवान नाम के संकीर्तन में जुड़ेंगे. And this is the actual yuga dharma. In every age, there's a process, and the process in this Kali Yuga is to chant the holy name. और ये भगवान नाम का जप करना और कीर्तन करना यही कलयुग का युग धर्म है. जिस प्रकार से हर युग में अपना एक युग धर्म है, इस युग का धर्म है हरि नाम का कीर्तन. कलेर दोष निधि राजन अस्ति ही एको महद्गुना. That the Kali Yuga is an ocean of faults. कलयुग में कलयुग बिल्कुल दोषों की एक निधि है. Right, where Vyasadeva did not glorify Kali Yuga people. He said they are lazy. They're misguided, they're unlucky, they live a short life, they're always disturbed. To ye nahi bataya jata hai ki kaliyug ke logon ke bare mein zyada gungan nahi kiya ja raha hai, wo aalsi hai, wo alpayu hain, wo durbhagyashali hain, is prakar alag alag prakar ki kamiyan unke bare mein bataya jata hai. But kirtana deva krishna shya mukta sanga param brajit, that simply by the chanting of the holy name they can get all perfection. Lekin sirf bhagwan naam ke kirtan karne se unhe sabhi prakar ki siddhiyan prapt hoti hain, purnatayein prapt hoti hain. So this
temple was meant for this, Sankirtan, and propagating the holy name and giving everyone, helping everyone develop taste for the name. And in this way, they develop all the good qualities and can go back to God. So, this mandir ka udesh hai ki logon ko bhagwan naam ke prati ruchi jagana, unko jagrat karna, jisse ki wo bhakti ke marg mein agrasar ho, aur iske phal swarup wo bhagwat naam laut sake. But if we don't worship the Lord, if we're just simply happy to maintain our family members, or even if you do some mystic yoga, then you don't actually have any good qualities. Lekin agar aap bhagwan ki bhakti nahi karte, sirf apne parivar ko sambhalte hain aur kuch kisi prakar ki ashtang yog ke vidhi ka palan karte hain, to aap mein se aapko kisi bhi prakar ki upalabdhi prapt nahi hai. Because we're still under the modes of nature. Sometimes we're in goodness, sometimes passion, sometimes ignorance. To kab ki tabhi bhi ab bhautik gunon ke adhin hai, kabhi sattvik, kabhi rajasik, kabhi tamasik gun ke adhin. This is the nature of the modes. There's always struggle for supremacy. To yahan par satta ki spardha hoti hai in gunon ke beech mein, bhautik prakriti ke gunon ke beech mein. We try to be in goodness, but then we're overcome by passion and ignorance. तो कभी हम सत्वगुण में रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन रजोगुण और तमोगुण हावी हो जाते हैं। We have to, the real solution is to take up Krishna consciousness. असली उपाय है कृष्ण भावनामृत को अपनाना। So Narada Muni is preaching like this to Prachini Barishad. He wants that king to give up all these rituals and just to become a devotee and go back to God. तो नारद मुनि यहाँ पर महाराज प्राचीन बरिषद के ही उपदेश दे रहे हैं कि वो इस प्रकार के रीति रिवाजों का अनुष्ठानों को पूरी तरह त्याग दें और भगवान के शुद्ध भक्त बनकर भगवत धाम लौट चलें। Okay, so we'll ask if there's any question. किसी को कोई प्रश्न है? Hare Krishna Maharaj. My question is that why the devotees consider the suffering or the crisis as the mercy of Lord? प्रभुजी का प्रश्न यह है कि भक्त जन जो है अपने जीवन में होने वाले कठिनाइयों को और पीड़ाओं को भगवान की कृपा क्यों मानते हैं? Well, devotee considers everything as the mercy of the Lord. Not only suffering. भक्त न सिर्फ कठिनाइयों को और कष्ट को लेकिन सब कुछ भगवान की कृपा मानते हैं. Right? If we are successful and enjoy, this is also Krishna's mercy. अगर आप सफल हैं और आप आनंद ले रहे हैं तो वो भी कृष्ण की कृपा है. Right? A devotee thinks if we are suffering that actually I meant to suffer much more, but my suffering is being minimized by the grace of Krishna. अगर किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हो रहा है, तो भक्त यही सोचता है कि असली में मुझे इससे भी और खराब परिस्थिति होनी थी, लेकिन कृष्ण की कृपा से इसमें से मैं निकल आया. We understand also that so many others are suffering much more than me. और हम ये समझ सकते हैं कि हम मेरे से भी अधिक अन्य कई लोगों को पीड़ाएं होती हैं. So it must be Krishna's mercy that my suffering has been reduced. तो हो सकता है कृष्ण की कृपा है कि मेरी पीड़ा जो है और कम हो रही है. And when we are enjoying, that's also Krishna's mercy that I don't deserve all this, but Krishna is encouraging me. जब अगर हमें आनंद प्राप्त हो रहा है, तभी भी ये कृष्ण की कृपा है, क्योंकि असली में मेरी योग्यता नहीं है इस आनंद की, फिर भी कृष्ण की कृपा से मुझे सुख प्राप्त हो रहा है. There's also a well-known verse in the scriptures where Lord Krishna says, "When I'm very merciful to someone, then I take everything away from them." ये भी एक विशेष श्लोक है शास्त्रों में हमारे, कि भगवान बोलते हैं कि जब मैं विशेष कृपा बरसाता हूँ किसी भक्त के ऊपर, तो उसके प्रिय सब कुछ, सभी जितने भी वस्तुएं मैं उनको हार लेता हूँ. I'm sure you're all eager to get that mercy. हो सकता है आप सब तैयार हैं, आप सब उसके लिए बहुत उत्सुक हैं, इस प्रकार की कृपा मिलने के लिए, भगवान आपसे सब कुछ ले लें. Yes. So when Krishna takes everything away, then we're in a helpless condition. And in that helpless condition, then we can really surrender to Krishna. तो जब भगवान सब कुछ छीन लेते हैं, ले लेते हैं, तब हम बिल्कुल असहाय अवस्था में हो जाते हैं, और इस अवस्था में हम सब पूरी तरह भक्ति में संलग्न हो सकते हैं. So Srila Prabhupada experienced something like that. Srila Prabhupada को भी इस प्रकार का कुछ अनुभव हुआ था. He had a family and he had a business and he was thinking, I will make money and give it to my guru. But Krishna had another idea. उनका भी परिवार था, व्यापार था, उन्होंने सोचा था कि मैं व्यापार से धन कमाऊंगा और मैं अपने गुरु को दूंगा, लेकिन लग रहा था कि भगवान का कुछ और योजना थी. And Krishna took everything away. He took the business away, and then the family members also not very nice anymore.
और कृष्ण ने सब कुछ ले लिया, उनका व्यापार ले छीन लिया, और फिर उसके बाद उनके परिवार के जन भी उतने सहयोग नहीं दे रहे थे. So Srila Prabhupada saw this is Krishna's mercy. He saw time to get out of the house. Srila Prabhupada ने देखा है कृष्ण की कृपा है, घर से निकलने का समय आ गया है. So he gave up one home and one family, and in return he got homes all over the world. And he got more and more children who loved him more than his own children. तो उन्होंने एक घर छोड़ा, एक परिवार छोड़ा, उसके बाद उनको इतने सारे घर मिल गए, इतने सारे परिवार मिल गए, इतने सारे बच्चे मिल गए श्रील प्रभुपाद को इसके बाद. So Krishna takes away to give much more. कृष्ण ले लेते हैं लेकिन उससे भी अधिक बहुत कुछ दे देते हैं. So yeah, this is mercy. हाँ, ये कृपा है. Okay, any other question? There is one question that has come in writing. Okay. It just says that Hare Krishna Maharaj, please accept my humble obeisance of Srila Prabhupada. Maharaj, you said Krishna consciousness should start at a very young age. When we see children who have grown up in Krishna conscious atmosphere in childhood, but as they complete their schooling, they're getting attracted to the material world, material friends, and developing bad habits. What should we do? How do we inspire these children back? You are aspiring servant. Inspire them back to take up Krishna consciousness. Oh, inspire them back. Yeah. Well, certainly children who had a Gurukula, who had a good Krishna conscious education in the beginning, they will remember that. तो प्रश्न ये था कि हमने देखा है कि प्रारंभिक अवस्था में कई बच्चों को कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण प्राप्त होता है, लेकिन जैसे ही उनके स्कूल की अवधि समाप्त हो जाती है, हमने देखा है कि उनके पास बहुत सारे भौतिक आदतें आ जाती हैं, वो इस ज्ञान को भुला देते हैं. वापस उनको लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो महाराज जी बता रहे हैं इसमें कि हमने देखा है कि कई सारे गुरुकुल के भी बच्चे हैं जो कि हो सकता है कुछ समय के बाद इस प्रकार की अवस्था से गुजरेंगे, लेकिन फिर भी वो भक्ति को नहीं भूलते. The problem comes when they lose the association of devotees and they get into association of people who have bad habits. So they become like that. They take up the bad habits. समस्या तब होती है जब वो भक्तों के संग से दूर हो जाते हैं और उन लोगों के संग में आ जाते हैं जिनकी बुरी आदतें हैं, और ये भी उन्हीं बुरी आदतों के शिकार बन जाते हैं. Just like Narakasur, he was the son of Varaha and Mother Bhumi. You know, you couldn't get better parents than that. जैसे नरकासुर जो कि वराह देव और भूमि माता के पुत्र थे, इससे बेहतर तो माता पिता किसी को मिल ही नहीं सकते. But he got bad association. He became a demon. लेकिन उनको बुरा संग प्राप्त हुआ था और उससे वो असुर बन गए. If you put the most sinful person into the association of devotees, they can also become a devotee. सबसे पापी व्यक्ति को भक्तों के संग में डालेंगे तो वो भी भक्त बन सकते हैं. But if you put, sometimes we take a devotee who is, you know, like a young man coming out of the Gurukul, not very strong and not very familiar, and if they get into the association of sinful people, they can also become fallen. लेकिन हो सकता है कि कोई नवयुवक जो कि गुरुकुल से अभी अभी निकला हो, जो कि भक्ति के विद्या में उतना सशक्त नहीं हो, उतना बलवान नहीं हो, तो थोड़े से ही भौतिक संघ के वजह से उनकी आदतें बिगड़ जाती हैं. So we have to try to take better care of the youth who are coming out of our schools to make sure that they're properly situated, to arrange for them proper employment and nice association. तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो बच्चे अभी स्कूल से निकल के आते हैं बहुत आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करके, आगे जाकर उनको अच्छी सही प्रकार की नौकरी और सही प्रकार के भक्तों का संग प्राप्त करें, इस प्रकार का वातावरण का हमें आयोजन करना चाहिए. We need to make proper arrangements like this to help our children that they can really find a nice situation in life. तो हमें इस प्रकार का आयोजन और योजनाएं बनानी चाहिए जिससे कि हमारे बच्चे जो हैं इस अच्छी परिस्थिति में आए, जिससे कि उन्हें कृष्ण भावनामृत आगे वो बढ़ा पाए. I can think of one example. Someone grew up in Krishna consciousness. His mother and father were very good devotees. मुझे एक उदाहरण याद है जो कि माता पिता जो अच्छे भक्त हैं और उनका बच्चा अच्छे कृष्ण भावनामृत में पल बड़ा हो गया था.
But somehow they came to live in a place, you know, a big city, and the boy was going to school, regular school, and got into bad association. लेकिन हो सकता है ना एक तथाकथित सामान्य स्कूल में बच्चा जाने लगा और उसको जो है बुरा संग प्राप्त हो गया और And in bad association, he got involved with drugs. तो फिर वो नशा लेने लगा. And he ended up going to prison for some time. और कुछ समय जेल भी जाना पड़ा उसे. But after coming out of prison, then he became a bit more serious, and he again took better care of his life, and he had a good knowledge about yoga, and he became a yoga teacher, and he got married, and he has a nice family now, and he's well situated. लेकिन जेल से निकलने के बाद फिर वो अपने आदतों को सुधार पाया, उसने अपनी जीवन रीति भी सुधार ली क्योंकि थोड़ा योगा जानता था, तो योगा का अध्यापक बन गया, अच्छा परिवार मिल गया, विवाहित हो गया और अब अच्छी परिस्थिति में स्थित है वो. So that's just one example. बस एक उदाहरण है ये. Of course, there are many other children who are doing well in Krishna consciousness. It's not that all the children give up Krishna consciousness or become sinful. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आगे जाकर अभी भी कृष्ण भावनामृत के जीवन में ही व्यस्त हैं, संलग्न हैं. ऐसा नहीं कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त हुए सारे बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं. Just like all of us, we can remember our childhood and what we did as young children, so they also remember how they were devotees. ठीक उसी तरह जैसे कि हमें याद है हमने ये बचपन में क्या क्या किया था, उसी प्रकार ये जो गुरुकुल के बच्चे हैं उनको भी याद होगा कि उन्होंने बचपन में क्या किया था. And whenever they meet devotees, you'll see they're very respectful and they're very nice, and if we can give them more association, then we can attract them back. तो अगर भक्तों को तभी भी वो देखते हैं तो बहुत सम्मान देते हैं, अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं, तो अगर हम उनका थोड़ा ध्यान रखें तो उनका वापस भक्ति के मार्ग में आकर्षित कर सकते हैं. Of course, this is all part of devotee care, caring for these people. And I just recently took a course on devotee care, and it was decided the most important part of devotee care, one of all the different groups of devotees which we need to take care of, the most important was the youth and the children. तो एक भक्तों का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है. हाल ही में मैं इस प्रकार के एक सत्र में भी था और उसमें ये ध्यान रखा गया, उसमें ये बताया जा रहा था कि विशेष करके उन बच्चों का ध्यान रखना चाहिए जो कि पहले से भक्ति के मार्ग में अग्रसर हैं और उनका विशेष ध्यान रखना जरूरी है. Yeah, we have so many different, you know, we have brahmacharis, they have their problems, and grihasthas, they have their problems, even sannyasis, they have their problems. But the most important, the people who are most in need of being cared for are the youth and the children. तो अलग अलग विभागों में अलग अलग समस्याएं हैं. ब्रह्मचारी हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, गृहस्थ हैं, उनकी समस्याएं हैं, सन्यासी हैं, उनकी भी अपनी समस्याएं हैं. लेकिन असली में जिन विभागों में अलग अलग प्रकार के विभाग जिन जो भक्ति में हैं, जिनका सबसे अधिक ध्यान की आवश्यकता है वो है नवयुवक और जो बच्चे जो भक्ति में लगे हुए हैं. Because they're meant to be the future devotees. कि वो भविष्य के भक्त हैं. And we have to make sure, we have to take care of them and nourish them, give them all opportunity to develop. तो इसलिए हमें इस पे सतर्क रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि उनको हर प्रकार का अवसर प्राप्त हो जिससे कि वो आगे विकसित हो सके भक्ति में. ओके, हरे कृष्णा. ओके, यस, क्वेश्चन. हरे कृष्णा महाराज. महाराज, लाइक एज यू सेड दैट द युग धर्म फॉर दिस एज कलयुगा इज लाइक चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स एंड वन हैज टू डेवलप टेस्ट फॉर द होली नेम. So Maharaj, like I wanted to ask that is it possible in this age that for anyone to go back to home, back to Godhead without like developing taste for the holy name? Oh. रवि का प्रश्न है कि आपने बताया कि महाराज जी आपने ये बताया कि कलयुग का युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, तो क्या ये संभव है कि इसी जन्म में शुद्ध नाम का विकास किए बिना और हरिनाम के प्रति रुचि विकसित किए बिना कोई व्यक्ति भगवत नाम लौट सकता है? Well, Lord Chaitanya quotes Kali Santara Brihad Naradiya Purana that there's no other way.
But the holy name. ब्रह्मनारदी पुराण का उल्लेखन करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि दिव्य नाम के अलावा और कोई उपाय है नहीं इस युग में. So for the Kali Yuga, certainly very important to have some taste for the holy name. तो कलि युग में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कुछ रुचि हो दिव्य नाम के प्रति. But if somebody is a devotee and they have pure love for Krishna, if they're really a devotee, they're devoted, they worship Krishna, they read the books about Krishna, then they can also go back to God. लेकिन जो असली में भक्त हैं वो कृष्ण के बारे में जानते हैं, दिव्य नाम का जप करते हैं और भक्ति के ज्ञान को जानते हैं, वो भी भगवतम लौट सकते हैं. But it's not as easy, it's not so easy to just go these other ways. The most powerful, the quickest, the most recommended process is chanting the holy name. लेकिन सबसे अधिक जो विधि का परामर्श किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, वो है भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन. But if somebody has developed their bhakti, of course there's 9 different angas of bhakti, so somebody may do it by hearing. Sukadeva Maharaj Parikshit simply heard and he went back to Godhead. लेकिन नवविध भक्ति के नौ विधियों में से किसी भी एक विधि को अपना के व्यक्ति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है. जैसे परीक्षित महाराज ने भागवतम का श्रवण करते हुए भगवत भक्ति प्राप्त करी. प्रहलाद महाराज गॉट परफेक्शन बाय रिमेंबरिंग. अक्रूर गॉट परफेक्शन बाय ऑफरिंग प्रेयर्स. प्रहलाद महाराज स्मरण से, अक्रूर वंदन से, इस प्रकार उन्होंने भगवत भक्ति प्राप्त करी. द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून इज सर्विंग द लोटस फीट, हर परफेक्शन वाज देयर. पाद सेवनम जो है श्रीमती लक्ष्मी जी भगवान की सेवा करती है. प्रीतु महाराज वर्शिप्ड द लॉर्ड. प्रीतु महाराज ने अर्चन किया था भगवान को. अर्जुन वाज अ फ्रेंड, हनुमान द सर्वेंट एंड बाली महाराज सरेंडर्ड एवरीथिंग. तो अर्जुन जो है मित्र थे, हनुमान दास थे और बली महाराज ने सब कुछ तिलांजलि कर दी, शरणागति कर दी. सो यू कैन गेट सक्सेस बाय एनी ऑफ दीस वेज. तो इसमें से किसी भी विधि से आप सफल हो सकते हैं. बट Lord Chaitanya came to teach the mass of people, everybody, the most powerful, the most the easiest, quickest process. Sri Chaitanya Mahaprabhu lekin swayam prakat hue the ki jan samanya ko is vidhi se prashikshit karne ke liye jo ki yug dharm hai, jo ki saral hai. So somebody has a taste for other things, they will naturally have some taste for the holy name. To agar kisi ko dusre prakar ki kisi vidhi ke prati ruchi hai, तो ये स्वाभाविक है कि कुछ रुचि उन्हें भगवान के नामों के प्रति भी होगा. You may not be fully into chanting the holy name, but you have to also do some chanting. तो हो सकता है आपको उतनी अधिक रुचि नहीं है भगवान नाम के जप में, कीर्तन में, लेकिन कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा कीर्तन और जप. Just like at time of initiation, all devotees make a vow to chant 16 rounds every day. जैसे दीक्षा के समय पर जितने भी भक्त हैं संकल्प लेते हैं कि रोज कम से कम 16 माला के जप करने का. We don't make a vow to hear. We don't make a vow to offer prayers or anything. हम श्रवणम के, हम वंदनम के अलग-अलग संकल्प नहीं लेते. The recommended process for people really is the holy name. जो कलयुग में जो जिस विधि का परामर्श किया जाता है जनसामान्य के लिए, वो है भगवान नाम का जप और कीर्तन. But the taste may be more. You may have more taste for reading Srimad Bhagavatam, or you may have more taste to worship the deities. Okay. हो सकता है आपको रुचि अधिक हो भागवतम के अध्ययन करने में या भगवान के अर्च वगैरह की आराधना करने में. इसमें कोई समस्या नहीं है. You still have to chant. फिर भी आपको जप करना पड़ेगा. You're worshiping the deities, you've got to chant also. भगवान की अर्च वगैरह की उपासना करते हैं तो भी आपको जप करना ही पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा. You study Srimad Bhagavatam, you have to chant also. श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं तो भी भगवान नाम का जप करना ही पड़ेगा. But you have more taste. You really, your taste is more maybe to read or to worship. It's all right. हो सकता है आपकी रुचि अधिक हो अध्ययन में या भगवान के अर्च वगैरह की आराधना में. ओके, हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ओके, श्रीमद् भागवतम की जय. श्रील प्रभुपाद की. हे सोलनस भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह देव महाराज की. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की.